मुफ्त में होंगी अब सभी तीर्थ यात्राएं। 2019 से पहले मोदी सरकार कर रही है लॉलीपॉप बांटने का काम। युवा, महिलाएं व वृद्धों के लिए भी अपनी तरफ से खोल रही है तीर्थ यात्रा के दरवाजे। दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 60 साल से अधिक आयु के दिल्ली के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार हर साल 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। तीर्थ यात्रा के लिए शुरुआती 5 रूट तय किए गए हैं। मथुरा वृंदावन, हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ, पुष्कर अजमेर, अमृतसर वाघा आनंदपुर साहिब, वैष्णो देवी जम्मू, इन्हें मिलेगी योजना का लाभ। दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, 60 साल से अधिक होनी चाहिए आयु। वरिष्ठ नागरिक अपने साथ 18 साल से अधिक उम्र का एक सहयोगी भी साथ ले जा सकेंगे। इसका भी पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को सेल्फ सर्टिफिकेशन से बताना होगा कि उन्होंने सभी सूचनाएं दी हैं और उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। तीर्थ यात्रा के चयनित व्यक्तियों को 1,00,000 रुपये का बीमा होगा। एसी बसों से तीर्थ यात्रा करवाई जाएंगी। खाने, नाश्ते और वातानुकूलित होटल में ठहरने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। सभी आवेदन ऑनलाइन से भरे जाएंगे। आवेदन पत्र डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, संबंधित विधायक के ऑफिस या तीर्थ यात्रा कमेटी के ऑफिस से भरे जाएंगे। स्थानीय विधायक सत्यापित करेंगे कि व्यक्ति दिल्ली का नागरिक है। हर बस में 3 वॉलंटियर सहायता के लिए मौजूद रहेंगे।